जेएनयू छात्र संघ का अध्यक्ष कन्हैया को लेकर देश में विवाद और बहस दोनों बढ़ता जा रहा है। हर ओर कन्हैया को लेकर बहस जारी है। नेता से लेकर खिलाड़ी तक कन्हैया पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अर्जुन पुरस्कार विजेता मनोज कुमार ने कन्हैया के खिलाफ जमकर मोर्चा खोल दिया है। बॉक्सर मनोज कुमार को ये कन्हैया के लिए खुला पंच है, जिसमें राष्ट्रभक्ति से लेकर नारों तक पर बॉक्सर ने वार किया है। फेसबुक पर बॉक्सर के पोस्ट को अगर पढ़े तो कई सवाल उठाए गए हैं। बॉक्सर ने लिखा कि दोस्तों, सोच रहा था इस बारे में बात करूं या नहीं। फिर दिल ने कहा कि जब देश की बर्बादी के नारे लगाने वाले जोर शोर से बोल सकते हैं, भाषण झाड़ सकते हैं, तो फिर हम देश के लिए खेलने वाले खिलाड़ी चुप रह गए तो ये भी गलत होगा। दोस्तों, कल से देख रहा हूं कि एक शख्स जो कल तक देश की बर्बादी के नारे लगाने वालों के साथ खड़ा था, या यूं कहें उनका नेता था, उसी शख्स को आज कुछ लोग हीरो बनाने पर तुले हुए हैं। क्या हमारी राजनीति इतनी गिर चुकी है? बहुत से नेता उसे बधाई दे रहे थे, मानो वह देशद्रोह नहीं देश प्रेम के आरोप में जेल गया। कल तक यही नेता कह रहे थे वह गरीब है, जिसका पिता लकवे से ग्रस्त है, परिवार के पास आय के साधन नहीं है, मात्र 3000 महीने में घर का गुजारा हो रहा है। तो भैया, 35 साल का लड़का अपने गरीब माँ बाप का सहारा बनने की बजाय ब्रांडेड कपड़े पहनकर फॉर्चुनर गाड़ी में जेल से निकलता है और फिर बड़े बड़े भाषण देगा तो गरीबी दूर हो जाएगी क्या? गरीबी काम करने से दूर होगी, मेहनत से दूर होगी और देश के लिए कुछ करने से होगी। इसके साथ बॉक्सर ने कई सवाल उठाए, साथ ही गुजारिश भी की कि देशद्रोहियों का साथ देने वालों के साथ ना खड़े हों।